हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशी लाइव। तो गाइस, आज मैंने इनको सुबह सुबह जल्दी से उठा दिया क्योंकि आज था मेरा एक शूट, मेकअप शूट था, आउटफिट शूट था, तो मुझे जल्दी निकलना था। तो मैंने इनको बोला कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो, उसके बाद मैं खुद ही चली जाऊँगी। क्योंकि यार मेट्रो तक जाने के लिए ना ऑटो लेना पड़ता है और ऑटो में मेरे को बैठने का बिल्कुल मन नहीं था सुबह सुबह, तो मैंने इनको बोला और ये मुझे छोड़ने के लिए आ गई। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ लोकेशन पर पहुँचने के बाद। हे एवरीवन, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और बेबी प्रोडक्ट जो कि है सनस्क्रीन। तो गाइस, ये वाली सनस्क्रीन ना रिच मॉइस्चराइजिंग है, अल्ट्रा लाइट वेट है, जो कि बेबी की स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है विदाउट एनी व्हाइट कास्ट। एंड गाइस, ये वाली सनस्क्रीन ना अल्ट्रा लाइट वेट होने के साथ साथ एसपीएफ 50 प्लस है, जो कि बेबी की सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करती है। एंड गाइस, ये सनस्क्रीन वाटर रेजिडेंट है अप टू 120 मिनट्स, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, एंड ये फेस एंड बॉडी की स्किन दोनों के लिए है और यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलती है। टॉक्सिन फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए हमें। एंड गाइस, मामाअर्थ के प्रोडक्ट तो होते ही नेचुरल हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं और हार्मफुल केमिकल से बिल्कुल दूर हैं। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा एट मामाअर्थ वेबसाइट। एंड गाइस, मामाअर्थ के प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट, नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल। और जब भी आप लोग इनके प्रोडक्ट कुछ बाय करते हैं तो ये आपके नाम का एक ट्रिक ग्रो करते हैं जिसकी पिक्चर आप लोगों को सेंड की जाती है। एंड मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, इंडियन ब्रांड है। एंड गाइस, मामाअर्थ ने रिसेंटली एक ऐप भी लॉन्च की है, तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में और सेल्स के बारे में जल्दी पता लग जाए। एंड जैसे ही आप लोगों को पता है, मामाअर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट एंड पर्पल पर। अभी आप लोगों के नियर के स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। आप लोग जब भी देखते हैं मैसेज करना या फिर कॉमेंट ड्रॉप करना। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, यहाँ पे आना है मुझे, अभी मुझे पता नहीं किधर से निकलना है। मैंने ना अपने बाल ही बांधे क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है मुझे। अंदर जब जाऊँगी ना इसी में तो ओपन कर दूँगा, बाहर तो बहुत गर्मी है यार। लोकेशन रिच, ये लोकेशन हमारी पहुँच गई ओढ़नी। गाइज, इधर ना मैं काफ़ी बार आई हूँ और यहाँ की लाइटिंग मुझे इतनी पसंद है क्योंकि यहाँ पे तुम नॉर्मल कैमरे से भी शूट करो तो इतनी प्यारी प्यारी फोटोज आ जाती हैं, तो मैंने भी 3-4 फोटो ले ही ली अपनी। हेलो गाइज, गाइज देखो कौन आया है यहाँ पर मेरे को कंपनी देने के लिए और हमारा साथ में शूट है। देखो उसका कितना सुंदर लहंगा। आपका कैसा है? मेरा उधर इसका तो पता ही नहीं कहाँ से मिलेगा, इतनी पतली है ये। बहुत पतली है, आपको पता है? कुछ खिलाते नहीं उसको, खूब खिलाती बेटा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। बस सारा मेहनत कर रही है ना, ज्यादा तो ज्यादा खिलाया करो। तो गाइज, ये था मेरा फर्स्ट आउटफिट, मतलब मैंने इसमें शूट करना है। तो मैं पहले लहंगा पहन लिया था, फिर मैं होने गई थी रेडी। तो देख लो, ये है मेरा बिफोर और अभी आफ्टर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेकअप के बाद मैं कुछ ऐसे दिख रही थी, ये देख लो प्रॉपर तरीके से, ये मेरा मेकअप लुक था। और आउटफिट तो मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया। और हेयर स्टाइल मैंने अपने कर्ल्स लिए क्योंकि मुझे कर्ल्स ना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। तो ये प्रॉपर लुक ये वाला आया था मेरा और मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी मुझे बताना, ज्वेलरी, लहंगा और मेकअप सब कुछ एकदम बेस्ट लगा। आप लोग बताना आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? और फिर अभी मैं आप लोगों को ना दिखाऊंगी भी कि हम लोग प्रॉपर तरीके से शूट करते कैसे हैं, ठीक है? जो मेकअप शूट होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं। अभी तो मैं रेडी ही हो रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा सा लहंगे वगैरह का फिटिंग वगैरह आ नहीं रही थी क्योंकि यार मैं पतली हूँ तो फिट नहीं आ पाता। वैसे अभी मैं पतली नहीं हूँ, अभी तो मैं मोटी हो रही हूँ, बट फिर भी जो नॉर्मल साइज़ होते हैं ना वो मेरे को आते नहीं है, तो इससे थोड़ा फिटिंग का इशू बैठा था। फिर मैंने ठीक करवाया, थोड़ा सा फिटिंग वगैरह करवाई, फिर दुपट्टा सेट करा और मैं फाइनली ना रेडी हो गई थी। अभी आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। ये मेरा लुक आ गया था चुन्नी वगैरह ओढ़ने के बाद, इतना सुंदर लुक आया था ना, मुझे मतलब ऐसी वाइब आ रही थी कि मेरा इंगेजमेंट है। मैं रेडी होने के बाद तमन्ना को भी देखने आई थी बट इसको ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो फिर मेरा शूट स्टार्ट हो गया था तो मैं वापस आई। पहले थोड़ा सा फ़ोन में रिकॉर्ड करा कि मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनाई, फिर जो प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने कैमरे वगैरह के थ्रू वीडियो बनाई। और तो और इसके अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है गाइस, मुझे मिली थी ट्रॉफी, तो वो आप लोगों को अभी देखने को मिलेगी।
अभी वही उसी के लिए तैयार हो रहे, क्योंकि फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे ना, तो प्रॉपर तरीके से लुक क्रिएट कर रहे थे कि कैसे लगेंगे, तो इस वजह से अभी देखना आप। फोन में आ रहे हैं सारे जने? हाँ जी। खुशी, कुदरत जब भी इंसान को बनाती है, कुदरत 7-7.5 बिलियन लोग हैं, तो कुदरत कभी भी क्रैप नहीं बनाती, किसी पर्पस से बनाती है, किसी मकसद से बनाती है, और वो मकसद कभी कभी हमें मिल नहीं पाता, कभी कभी मिल जाता है। जैसे खुशी को बनाया था इसलिए कि वो बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाए, वो 1.5 साल का बच्चा है, उसका भी ख्याल रखते हैं, और ओढ़नी के साथ जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। We are really honored कि आप इतनी दूर से वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए, और इतनी परिवार आपका ही दिल से आवाज़ प्रकट करते हैं। और ये लीडरशिप अवार्ड किसी को दिया जाता है जो किसी फील्ड में हमसे आगे, मॉडलिंग में, लोगों को फॉलो कराने में और अपना काम करने में आप ओढ़नी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो सारी टीम की ओर से ओढ़नीशिप लीडरशिप अवार्ड एक्सलेंस इन लाइफ खुशी मैडम। तो जब मैं इनको ट्रॉफी दूंगा तो आप दोनों पकड़ेंगी, बाकी सब लोग ताली बजाएंगे और आप फोटोग्राफ लेंगे, ठीक है? तो गाइस ट्रॉफी के बाद मैंने किया अपना काम स्टार्ट, क्योंकि यार मुझे लेट हो रहा था, आरू भी घर पे था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके उसके पास जाना था, तो मुझे थोड़ा था कि मैं अपना जल्दी से काम ख़त्म करूं और फटाक से अपना घर पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे सारे के सारे शूट मैंने जल्दी जल्दी से करे, जितने भी थे मैंने भैया को बोला था कि भैया थोड़ा सा जल्दी करवाओ क्योंकि घर जाना है, अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा था धीरे धीरे, और वैसे भी यार गर्मी में ना मेरी हालत ख़राब थी, और हालत से ज़्यादा मेरे को ये रहता है कि आरू के पास मैं थोड़ा टाइम से पहुँच जाऊँ, मैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ पाती अकेला। तो फिर इन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी से किया और बहुत अच्छा शूट किया, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी, आप लोग एक बार जाकर चेकआउट करना। तो गाइस ऐसे करते हैं हम लोग शूट, एक ही क्लिप को हमें बार बार शूट करना पड़ता है जब तक एक परफेक्ट शॉट ना आ जाए, तो इस चीज़ में हमें टाइम लग जाता है, वरना ऐसा है नहीं 10-15 सेकेंड की रील अगर बनानी होती है ना तो उसके लिए भी थोड़ा करना पड़ता है काफ़ी बार मेहनत, अगर हमें प्रॉपर तरीके से करना होता है शूट। तो फिर गाइस जल्दी जल्दी से हमने काम ख़त्म करा, खाना पीना खाया नहीं, खाना पीना बिल्कुल लास्ट में जाकर खाया, और शूट करते रहे बस जल्दी से कि जल्दी अच्छे अच्छे क्लिप्स आ जाए, और मैंने देखी थी काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था, अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, वो सब आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर देख लेना। और यहाँ के कलेक्शन अगर आप लोगों को चेकआउट करनी है ना तो ज़रूर करना, क्योंकि गाइस ओढ़नी की इतनी अमेजिंग कलेक्शन है, इतनी अमेजिंग, आप लोगों ने देखा भी होगा मोस्टली मैं वेडिंग फंक्शन वगैरह में जितने भी होते हैं सब जगह पर मैं ओढ़नी के ही आउटफिट वेयर करती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे इनकी कलेक्शन बहुत ही औसम लगती है, इनके जैसी कलेक्शन ना मुझे नहीं लगता कि और भी जगहों पर है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना ओढ़नी। शादी में मेरी शादी है मुझे विश कर दो। तो तूने हमें भी बताया, हमें एंगेजमेंट है, नाइस थी, आपको मैंने बुलाया था, आओ कपड़े खरीदो मेरी शादी के लिए। नहीं कपड़े ये थोड़ी देगी, कपड़े तो हमने। सो गाइस देखिए तमन्ना की शादी है, जिसको भी आउटफिट चाहिए गाइस ओनली वन से ले लेना, मेरे नाम पे डिस्काउंट मिलेगा। शॉपिंग तमन्ना की मम्मी है, हेलो, फीस से काफी से सर थोड़ा बड़ा कर दो वहां से कम कर। सो गाइज अब सबसे मिलने के बाद मेकअप शूट वगैरह प्रॉपर हो गया, तो मैं अपना सारा का सारा मेकअप रिमूव कर रही थी जितना भी मैंने किया हुआ था, क्योंकि यार मुझे ना मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत कम मिनिमम मेकअप रखती हूँ। और आज का दिन भी ना बहुत ज़्यादा वेल स्पेंड रहा, क्योंकि मैं अपनी सारी दोस्तों से मिली, कशिश से, तमन्ना से, और शूट भी हो गया अच्छे से, तो काफ़ी सही था। और फिर अब रिमूव वगैरह करके मैं जा रही हूँ वापस घर पर। गाइज आज हम अपने पैसे खर्च करने वाले हैं, कशिश कितने रुपए का लेकर आई है? गाइज खुशी दीदी दिलाएंगी मुझे, पर्स ले लो गाइज इसका। यस गाइज ये आप ले सकते हैं, वो ड्रेस तो खुशी दीदी दिलाएंगी आज मुझे, उन्होंने कहा तू मेरी तरफ से ले जो तुझे लेना, मैंने कहा ठीक है दीदी इतना मना नहीं कर पाई, गाइज देखो बैठ के चाय पी रही, काली हो जाएगी पागल, और गाइज यहाँ की कलेक्शन इतनी प्यारी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, तो मैंने इधर से 2 लहंगे भी परचेस करे, वो आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यार घर में शादी है तो परचेस तो करना ही है। और यहाँ पर कशिश भी अपनी शॉपिंग करने लगी थी, मैंने भी अपने सिलेक्ट कर लिए थे, इसने भी सिलेक्ट कर लिए थे, और तमन्ना ने भी कर लिए थे, तो हम सब ने शॉपिंग करी मिलकर। और अब ये ना पैक करवा रही हूँ मैं ताकि जल्दी से, बाहर मेरे हस्बैंड खड़े हैं मुझे पिक करने के लिए आए हुए हैं। फिर नहीं देखूंगी मैं, बस बंद करो।
हाँ आए हाथ में ले लो, अच्छा लग रहा है, निकालो, पता तो लगनी चाहिए। मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, बनके अच्छी लग रही है। वरना अभी थोड़ा रख, तब ना 5 मिनट थोड़े वीडियो भी पूरी नहीं हुई, बोलते रहो कुछ करते रहो। बहुत प्यारी ज्वेलरी, बहुत प्यारी थे तमन्ना ने। एकदम फेस ले रही हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं, बाय बाय गाइस। गाइस वैसे तो आती नहीं, देखो ऐसे फंक्शन के लिए यहाँ मिल गई तो टकर गई वापस आई। हमारे हाउस की जगह, ठीक है भैया जाएंगे। तो गाइस आज का शूट हो गया है मेरा डन, हेडेक वाला शूट था थोड़ा सा। अब मैं वापस जा रही हूँ, फेस भी ढंग से वाइप नहीं हो पाया, घर जाके साफ करूंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी। मैंने 2 आउटफिट भी लिए हैं, वो भी दिखाऊंगी क्यों लिए और किस लिए लिए। और साइड रील आपको थोड़ा सा ना घर जाके दूंगी, अभी फेस मुझे गंदा लग रहा तो मैं मन नहीं कर रहा शूट करने का। और गाइस वन मोर थिंग, देखो मुझे ट्रॉफी भी मिली आज।